नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। श्वेता के साथ में आप देख रहे हैं प्रोग्राम शख्सियत। जैसा कि आप जानते हैं कि हर बार एक शख्सियत से हम आपको रूबरू कराते हैं, ऐसे ही आज एक शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। वो हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री कौशल किशोर जी। आज उनसे उनकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, तो आइए सीधे रुख करते हैं केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर जी के साथ में। सर, आपका हमारे प्राइम टीवी के शो शख्सियत में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम लोग हर बार अपनी शख्सियत में एक नई शख्सियत से बात करते हैं, उनके आज तक के सफ़र के बारे में बात करते हैं, तो आज हम आपके सफ़र के बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले हम आपके स्कूलिंग टाइम के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका स्कूलिंग टाइम कैसा था, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या था, उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। मेरा स्कूलिंग का टाइम तो मुझे याद है कि वो लकड़ी की एक तख्ती और झोला में लेकर के पढ़ने जाते थे। ये बगल में हमारे गांव में माधोपुर में प्राइमरी का स्कूल है, उसमें टाट पट्टी पे बैठ के पढ़ना और खड़िया दवात उससे लिखना सेठे की कलम से, ये मेरा स्कूली टाइम है। पाँचवें तक के मैंने शिक्षा प्राइमरी के स्कूल से गांव से प्राप्त की और छठे से फिर मैं एक महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज है चौक में, वहाँ मैंने 6th से 8th तक के वहाँ एजुकेशन लिया और फिर 9th से इंटरमीडिएट तक मैंने कालीचरण इंटर कॉलेज है, मैंने वहाँ शिक्षा लिया और फिर मैं बीएससी मैंने सीआरपीजी कॉलेज से लिया। तो बीएससी में मेरे दो पेपर फाइनल में छूट गए थे, तो वो मेरा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया। लेकिन चूंकि माँ बाप हमारे बहुत गरीब तबके से थे, खेती इतनी नहीं थी कि जितनी थी उसमें इतना पैदा होता था कि पूरा साल नहीं चलता था, तो 6 महीने से खेती से घर का खाना चलना और 6 महीने हमारे जो पिताजी थे उनको हम बप्पा कहते थे, तो झौवा वगैरह ढोना फेरी लगाना ये काम करते थे। तो फैमिली बैकग्राउंड हमारा एक मेहनत करने वाले परिवार का रहा, माँ बाप सब मेहनत करके हम लोगों को पढ़ाया, हमसे 2 बड़े भाई वो भी मेहनत करके पढ़े, नौकरी में रहे, वो सर्विस में रहे, अब वो हमारे बीच में नहीं रहे इस पीरियड में, उनका देहांत हो गया। लेकिन जो फिर भी ये जो मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे परिवार में पैदा हुआ जिनके पास कुछ नहीं था लेकिन उनके पास हिम्मत थी, उनके पास लक्ष्य था कि हमको अपने बच्चों को पढ़ाना है, तो उन्होंने इस तरह मेहनत करके, और मेरे चाचा थे जिनको हम कक्कू कहते थे, रामचरण नाम था, वो भी पढ़ाई में बड़ी मदद करते थे, शादी उन्होंने नहीं किया था, तो उनकी वजह से हम लोग पढ़ लिख सके। और हमें फिर बताएं कि मुझे गर्व है अपनी उस फैमिली पर कि गैर पढ़े लिखे होने के नाते भी उन लोगों ने शिक्षा पर ध्यान दिया और हम लोगों को शिक्षा दिला करके इस स्तर तक के पहुंचाने का जो श्रेय है वो माँ बाप को और हमारे चाचा को। जी अच्छा सर, कहते हैं कि जैसे आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए किसानों की मदद करने के लिए आपने कुछ टाइम के लिए पढ़ाई छोड़ी थी, तो कौन सी मदद थी, क्या आपकी एक मुहिम थी कि कौन से काम की वजह से आपने कुछ टाइम पीरियड के लिए आपको पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी? असलियत में वो एक समय ऐसा था कि मैं अपना टाइम हाई स्कूल मैंने पास किया, हाई स्कूल का एग्ज़ाम दिया तो दुबग्गा पड़ता यहीं पे 3-4 दुकानें थी, तो हम लोगों ने एक लड़का मेरे साथ और मेरा एक दोस्त था, तो हमने कहा 1.5 महीने की छुट्टी में क्या करें, तो टेलर की एक दुकान थी, हम लोग टेलरिंग सीखने चले गए, तो वहाँ काज बनाना, फिर जांघिया सिलना, पैजामा सिलना, कुर्ता, इतना मैंने सीख लिया था। तो फिर उसके बाद स्कूल खुल गए तो उसमें मैं फिर एडमिशन ले लिया। तो जो प्रॉब्लम्स थी हमारे ये क्षेत्र, पहले मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में लगता था, किसानों की बड़ी प्रॉब्लम थी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उस समय मैं एक हलवाई की दुकान थी, मुझे ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था, तो मैंने उसका लोटा उठा के मैंने पानी पी लिया, तो उसने मुझे बहुत डांटा कि तुमने लोटा कैसे छू लिया। मैंने कहा क्या हो गया, तो वो था कि हम शेड्यूल कास्ट के हैं और तुमने लोटा कैसे छू लिया। बाद में मुझे उसकी इस बात का एहसास हुआ, तो ये बात मेरे दिल में चोट की कि अरे हम इंसान हो करके
किसी का लोटा नहीं छू सकते, और जबकि कुत्ते जो है किसी का लोटा बाल्टी में मुंह डाल देते हैं, उसको धो के ऐसे काम चला लेते हैं। तो इतनी खराब स्थिति जातिवाद की है। तो जातिवाद का इतना ज़्यादा असर था उस पीरियड में कि मैं ये सब 74 की बात बता रहा हूँ, सन 1974 वगैरह की। तो मैं धीरे धीरे इंटरमीडिएट और ये करने के बाद जो है फिर उन लोगों से धीरे धीरे जुड़ गया जो लोगों के पास, कम्युनिस्ट पार्टी से एक दो लोग मेंबर थे हमारे यहाँ, तो मीटिंग होती थी, वो नारे लगाते थे, जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, जो ज़मीन को जोते हुए वो ज़मीन का मालिक होवे, धन और धरती बट के रहेगी, भूखी जनता चुप न रहेगी। तो मुझे वो नारे अच्छे लगे। तमाम लोगों के पास ज़मीनें बहुत ज़्यादा थी और कुछ लोगों के पास ज़मीन नहीं थी, गरीब आदमी उनकी ज़मीनों में काम करता था और वो सारा काम वो करते थे, ज़मीन को जोतना, बोना, अनाज को लाना और ले जाना, घर में रखना, लेकिन खाने का हक नहीं मिलता था। तो फिर धीरे धीरे उसकी लड़ाई और सामाजिक अन्याय की लड़ाई को इसको धीरे धीरे मैंने शुरू किया। और उस पीरियड में इसीलिए मैं दोबारा फिर उसमें ऐसी स्थिति आ गई कि मेरे ऊपर जानलेवा हमले होने लगे, मेरी जान लेने का बार बार प्रयास किया जाने लगा। तो मेरी पढ़ाई भी छूटी, क्योंकि जान बचाना ज़रूरी था, लोगों के लिए लड़ना है तो जान बचाना ज़रूरी था। तो उस पीरियड में पढ़ाई छूट गई जान बचाने की वजह से और लोगों की लड़ाई लड़ने की वजह से। तो मैंने धीरे धीरे करके लोगों को तैयार किया और फिर एक समय ऐसा आया कि पूरे हमने मलियाबाद क्षेत्र में, ग्रामीण इलाके में, गांव के आदमी के पास बहुत कुछ तो होता नहीं, धनुष, तीर और लाठी वही चीज़ें थी। उनके हमने जगह जगह पे टोलियां बनाई और उन लोगों को इकट्ठा किया। तो मेरी आवाज़ पे 20,000 लोग इकट्ठा हो जाते थे, जबकि उस समय कोई मोबाइल का सिस्टम नहीं था और टेलीफोन तो खैर था ही नहीं हम लोगों के पास, उन लोगों के पास भी होने का नहीं, लेकिन एक मैं आवाज़ देता था कि एक कोने से आवाज़ निकले तो दूसरे सिरे से लोग इकट्ठा हो जाए। तो ऐसे लोग निकटते थे झुंड के झुंड, और जो लोग भी गुंडागर्दी, सामंतशाही ये सब करते थे, जो दमन करते थे, उसको हमने रोकने का काम किया जनता के बदौलत। और आज वो जनता इतनी खुशहाल है कि जो कभी ज़मीन पर पालथी मार के नहीं बैठ सकते थे, उकड़ू बैठो, खड़े नहीं हो सकते थे, सजा टाइप की दी जाती थी, जो बराबर बैठ के कुर्सी पे चाय नहीं पी सकते थे, अपने रिश्तेदारों को अपने घर की चारपाई पे नहीं बैठा सकते थे, आज उन लोगों के बराबर बैठते हैं, चाय पीते हैं और वो खुद बुला के पिलाते हैं और बैठाते हैं। ये उनको अधिकार दिलाने में मुझे सफलता मिली। तो मुझे लगता कि मैं एक क्षेत्र में लोगों के साथ न्याय कर पाया और उनको मनोबल को आगे बढ़ाने में मुझे कामयाबी मिली। और आज जो सामाजिक शोषण है वो पूरी तरीके से करीब करीब ख़त्म है। बाकी जो है अब वही लोग जो कभी बैठ नहीं पाते थे, वो मेहनत करते हैं तो अपना हक मांगते हैं, अपना पैसा मांगते हैं, और नहीं तो फिर वो थाने में जाके खड़े होते हैं। और इसलिए मैंने उनको बोला था कि मेरा नंबर है आपकी जेब में, तो मैं आपकी जेब में, मैं जब भी आप मुझसे बात करोगे सीधे बात होगी। हमारे और जनता के बीच में नेता और कार्यकर्ता का डिफरेंस नहीं रहेगा, हमारे और जनता के बीच में हम सांसद, विधायक या मंत्री हैं, तो ये डिफरेंस नहीं रहेगा, बल्कि हम मंत्री हैं तो अपने को मंत्री समझें, हमें मेले तो अपने को मेले समझें। और आज वो समझते हैं, इसीलिए हमने देखा, आपने देखा होगा कि हमने अपनी कुर्सी अलग नहीं की, हम उन्हीं के बीच में बैठ जाते हैं, उन्हीं के साथ घुल मिल के लोग, इसीलिए मेरे सर के पास आके लोग खड़े होते हैं और अपनी अपनी बात कौन पहले कह ले, इस तरह का एक कंपटीशन करके अपनी बातों को कहने का करते हैं। ये हमने उनको राइट दिया, अधिकार दिया है, और हम चाहते हैं ये राइट उनका बना रहे, लोगों से इस तरह सबसे मिले वो। अच्छा सर, जैसे ये कहा जाता है जैसे पढ़ाई को लेके, क्योंकि आपका काफ़ी डिस्टर्बेंस आ रहा है, उसकी वजह से आप पढ़ाई में थोड़े एवरेज रहे, लेकिन आपकी ईमानदारी और आपके एक जिज्ञासु दिमाग की वजह से काफ़ी आप चर्चा में रहे। तो कोई ऐसा वाक्य बताइए किस वजह से मतलब इतनी चर्चा रही और क्या चीज़ ऐसी थी जो लोगों में खासा पसंद थी? मैं पहली बार चुनाव लड़ा तो मुझे 2000 में 18 वोट कम मिले, दोबारा साल भर बाद चुनाव हुआ तभी 18 वोट कम 2000 मिले, लेकिन जिन लोगों ने मुझे वोट दिया, 1988 लोगों ने वोट दिया मुझे, उन लोगों को मैं जान नहीं पाया कौन कौन, लेकिन उसमें ज़्यादातर लोगों को जाना मैंने।
उनसे कहा कि आपने मुझे विधायक माना तो मैं आपका विधायक हूँ, आपका काम पड़े आप दूसरे के पास नहीं जाएंगे, आप मेरे पास आएंगे, मैं आपका काम कराऊंगा। तो वो अपनी वो समस्या लेके आते थे, मेरा कोई गार्ड फादर था नहीं तो मैं उनकी समस्याओं को करा भी नहीं पाता था, इसलिए मैंने धरना और प्रदर्शन शुरू किया। थाने की समस्या थाने का घेराव, ब्लॉक की समस्या ब्लॉक का घेराव, तहसील की समस्या तहसील का घेराव, ऐसे इस तरीके के घेराव प्रदर्शन धरना मैं करना शुरू करता था। और जिसकी वजह से जिन लोगों की समस्याएं हल नहीं होती थी वो और जुड़ने लगे, और इस तरह मैं फिर तीसरे नंबर पे आया, दो बार दूसरे नंबर पे आया और 6 चुनाव हार करके मैं निर्दलीय चुनाव जीता, करीब 62-63 हज़ार वोट पा करके 25 हज़ार से चुनाव उसी जनता ने मुझे जिताया और सारी पार्टियों को हराने का काम किया। तो जनता का विश्वास मेरे ऊपर टिका, और इसलिए कि मैं दोहरी राजनीति नहीं करता, कार्यकर्ता की तकलीफ मैं अपनी तकलीफ मानता हूँ, पीड़ित व्यक्ति की तकलीफ को मैं अपनी पीड़ित तकलीफ मानता हूँ, और जब तक मैं उसकी समस्या को हल नहीं कर लेता तब तक मुझे नींद नहीं आती और तब तक कि मैं मुझको सुकून नहीं मिलता। और इसीलिए मैंने लोगों से कह रखा कि रात के 2 बजे अगर प्रॉब्लम हो तो मुझे फ़ोन करिए, तो रात के 2 बजे भी लोग प्रॉब्लम होती मुझे फ़ोन करते। अभी आज की घटना सुबह की है, एक एक्सीडेंट हो गया और वो कहने लगे कि जब तक के मंत्री जी नहीं आएंगे, कौशल जी नहीं आएंगे, तब तक हम बाड़ी उठने नहीं देंगे। मैं अभी गया और अधिकारियों ने फ़ोन किया, जब मैं गया और उनको मैंने जिम्मेदारी ली कि तुमको ये 5 लाख रुपए दिलाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे, तब उन लोगों ने बाड़ी उठने दिया। तो इतना लोगों को भरोसा है कि कौशल जो कहेंगे वो करके जाएंगे, और मैं उतने कहता हूँ जितना मैं कर पाता हूँ। मैं लंतरानी का कोई भाषण नहीं देता, फिजूल की बात नहीं करता और मैं झूठे वादे नहीं करता। मैं जितना कर पाता हूँ उसके लिए कहता हूँ, और जितना कहता हूँ उसके लिए करने के लिए मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, और नहीं होगा तो मैं वो जिस स्तर पे होने वाला होगा उस स्तर पर जा करके लोकतांत्रिक तरीके से उस काम को कराने का प्रयास करता हूँ, इसलिए लोगों को विश्वास है। बाकी सर ये है कि जैसे हमेशा, जैसे आप अभी शुरू से ही बता रहे हैं कि सच और न्याय के लिए हमेशा आप खड़े रहे हैं, जिसके लिए आपको अगर कभी लड़ना भी पड़े तो आपने उसके लिए लड़ाई भी लड़ी है, उसकी वजह से लेकिन आपके माता पिता बड़े परेशान रहे हैं, उनको आप कैसे कन्विंस करते थे इस चीज़ के लिए कि आप जो कर रहे हैं, उनको कैसे आपने भरोसा दिलाया, किस तरीके से उनको अपने पाले में लिया कि मैं सच और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और एक बड़ी विडम्बना है, मेरे पिताजी की डेथ जो है 1981 में हो गई, तब मैं राजनीति में नहीं था, राजनीति संगठन बना रहा था, और उस समय मेरे ऊपर प्रॉब्लम ज़्यादा थी, लोग गाड़ाबंदी ज़्यादा करते थे, घर पे रुक नहीं पाता था। और माता जी का तो ये कहते थे कि भैया कहीं नौकरी कर लो तो तुम्हारा भी अपना परिवार पल जाएगा, तो वो मेरे बात नौकरी मुझे कहीं मिली नहीं, मैं जो करना चाहता था वो मुझे मिली नहीं। और मेरा सिविल इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ तो एक मेरा मित्र था, वो कहने लगा फीस, कहने लगा हमको दे दो हम जमा कर देंगे, उसने फीस नहीं जमा किया तो मेरा वो छूट गया। तो घर वालों को मैं, वो तो सपने में भी नहीं सोच सकते थे राजनीति। मेरे भाई वगैरह जो है इस बात पर जो है, बड़े भाई वगैरह कभी कल्पना नहीं किए थे, लेकिन मेरा ये दृढ़ निश्चय था कि मुझे ये करना चाहिए, तो मैंने वो किया। तो जब मैंने शुरू कर दिया तो माँ भी मेरी पढ़ी लिखी नहीं थी लेकिन स्वाभिमानी थी, तो उन्होंने कहा ठीक है जो करते हो करो, मगर मुझको जो है एक बार मुझको घर वाले ओझा के पास पकड़ के ले गए, सोचे इसका जो है दिमाग कुछ बहक गया है, तो उसको पकड़ के ले गए, मुझको वहाँ पे कराया धराया, ओझा से झाड़ फूँक कराया। तो फिर ओझा से भी मैंने कहा कि तुम बेमतलब का कोई काम ऐसा ना करना, तुम्हारा दिया हुआ कोई चीज़ मैं खाऊंगा नहीं, और कोई बात झूठ मत बोलना, नहीं तो मैं ये सब मैं मानता नहीं हूँ। तो खैर ओझा ने भी कुछ इस तरह की बात नहीं की, और फिर मेरे घर वालों को समझ में आ गया कि ये माना नहीं, मानेगा है नहीं, तो फिर वो सब अपने आप मेरे साथ हो गए और फिर मेरी मदद करने लगे। जी, मतलब इस तरीके से माँ आपके जो पेरेंट्स है वो हाँ माँ भी और भाई भी जो है सब मेरे साथ खड़े हुए, और फिर जो मैं करने लगा तो फिर वो उनकी समझ में आ गया कि
उनका था कि इसकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो रोजी रोटी का तो मेरा कोई वो था नहीं बहुत ज़्यादा, क्योंकि खाना तो सुबह शाम मिल ही जाता था परिवार की वजह से। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मेरे घर पे आठ आठ दस दस लोग टिकते भी थे, परमानेंट टिकते थे। तो लोगों को इतना सहानुभूति थी मेरे से, तब भी थी आज भी है, कि वो लोग आटा दाल चावल सब ले आते थे। और मालूम हुआ कि यहीं खाना बन रहा है, वाइफ मेरे यहाँ खाना ही बनाती रहती थी, पत्नी मेरे यहाँ खाना ही बनाती रहती थी सुबह शाम तक। तो उसमें मालूम हुआ कि वो सब तो एक परिवार की तरीके से, कम्यून की तरीके से, हम लोग कम्युनिटी के तरीके से काम कर रहे थे। और मतलब गरीबी एहसास नहीं होती थी, हमको लगता था हम लोग जो काम कर रहे हैं वो अमीरों से ज़्यादा बड़ा काम कर रहे हैं। हम लोग खेतों में सो सकते हैं, अमीर आदमी नहीं सो सकता। हम अपने दरवाजे पे लेट सकते हैं, अमीर आदमी जो है ताला बंद करके सोएगा, अंदर बाहर लेट नहीं सकता। तो ये हम लोगों को अपनी हिम्मत लगती थी। तो उस तरीके से हम लोग काम करते थे, और उसमें काम करने में हम लोगों को बहुत अच्छा लगता था, संघर्ष भी होता था। तो कैसे किस तरीके से हम लोग निपटेंगे इन चीज़ों से, उसका पूरा प्लान करते थे। और जो प्लान करते थे उसमें हमेशा हम लोगों को सफलता मिलती थी। लेकिन पीछे हटने का काम हमारी टीम ने कभी नहीं किया, ना हमने किया। और किसी भी आदमी की, हमारे साथ जुड़े हुए आदमी की बेइज्जती, हम अपनी बेइज्जती, हम अपना अपमान समझते हैं आज भी। उसकी इज्जत और सम्मान के लिए हम लोकतांत्रिक तरीके से कुछ भी करने के लिए तैयार रहेंगे। पद हमारा रहे तो ठीक है, ना रहे तो ठीक है, हमने कभी पद की परवाह नहीं की। और इसलिए जब मैं MLA बना और मैं जब मंत्री भी बना उत्तर प्रदेश सरकार में, कुछ इशू को लेकर के जब मेरी पट्टी नहीं खाई, तो मात्र 8 महीने में मैंने मंत्री के पद से, राज्य मंत्री के पद से उत्तर प्रदेश सरकार में, मैंने मुलायम सिंह जी की सरकार में इस्तीफा दे दिया। उनके लाख कहने पर भी फिर मैं मंत्री पद में शामिल नहीं हुआ, जबकि मैं राज्य मंत्री था, मुझे कैबिनेट मिनिस्टर बनाना चाहते थे, मगर मैं नहीं शामिल हुआ। इसलिए कि मैं सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता और मैं लोगों के साथ धोखा नहीं कर सकता। कितना भी पैसा कोई कमा ले, मैं तो जब MLA बना तो छप्पर के नीचे रहता था, जिस तख्त पे लेटता था उस पे कीले भी नहीं जड़ी थी पटरे में, ऐसे हम लोग दरी वरी डाल के और गद्दा वद्दा डाल के लेट के अपना जो है, इस चीज़ का कोई ग्लैमर नहीं था कि ये होना चाहिए ये होना चाहिए। आज भी मेरे अंदर ये नहीं है, और मैं आम आदमी अपने को समझता हूँ, और आम आदमी की तरह, जनरल आदमी की तरह लोगों के बीच में रहना चाहता हूँ। कोई पीड़ित आदमी घर से किराया उधार मांग के या किसी तरह मेरे पास तक आता है, तो उसकी पीड़ा को मैं समझता हूँ कि लौट के जाएगा, अगर उसका काम नहीं होगा तो उस दिन का उसका किराया बर्बाद होगा, उसका दिन बर्बाद होगा। तो ये तकलीफ़ उसकी हम इसलिए समझते हैं कि मैं भी इस तकलीफ़ को झेला हूँ। तो मैं उनके लिए इसी तरह से काम करता हूँ, और ये काम करते भी रहेंगे। और जो भी हमारी ये सब लोग हैं, वो सब हमारे मित्र हैं, और हमने किसी को अपना, जो लोग कभी कभी मुझसे कह देते हैं कि आपका चेला, तो मुझे ये शब्द बहुत ख़राब लगता है, आपका शिष्य मुझे ख़राब लगता है। मैं किसी का शिष्य हो सकता हूँ एक अलग बात है, लेकिन मैंने अपना कोई शिष्य नहीं बनाया, मैंने अपने मित्र बनाए, साथी बनाए। और इसलिए जब गोली चली मेरे ऊपर, तो 9 लोग मेरे सामने आके खड़े हो गए, और जिसमें 3 लोगों को गोली लगी, उन लोगों को, सारे लोग मेरे लिए इस तरह से मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं, तो उनको हम शिष्य नहीं कह सकते, वो मेरे बहादुर साथी हैं जो मेरे साथ खड़े होते हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, हम उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, वो मेरे लिए महान है। अच्छा सर, जैसे ये है कि बहुत समय से आपका ये जनता दरबार लग रहा है, आप काफ़ी समय से, आप चाहे मंत्री उसमें दे, मतलब क्योंकि शुरू से आपका जुड़ाव एक रहा है, तो आप किस तरीके से जज करते हैं जब कोई अपनी समस्या आपके सामने लेके आता है, तो किस तरीके से जज करते हैं कि कौन सा पक्ष सही बोल रहा है, कौन सा पक्ष गलत बोल रहा है, और फिर किस तरीके की कार्यवाही से आप वो समस्या को सॉर्ट आउट करते हैं? पहले अगर गांव से लोग आए, तो ज़्यादातर गाँव में हमारा कोई ना कोई जानने वाला है, तो जो मेरी टीम सब बैठी है यहाँ पे, उन लोगों से मैं कह देता हूँ कि इनके बारे में बात कर लो, या बताया तो उस गांव का प्रयास करता हूँ कि पता कर लो कि भाई क्या है,
अगर आपस में झगड़ा फसाद है तो मेरा प्रयास होता कि उनको बुलाएं और आपस में बातचीत करके समस्या हटा दें। पति पत्नी के झगड़े जो है, प्रयास करता हूं दूसरे पक्ष को बुलाऊं और सामने बैठा के उनकी बात की समस्या का हल करा दूं। कभी कुछ मसले ऐसे हो जाते हैं कि मारपीट चोट खा के आया, किसी के साथ बड़ी घटना हो गई, थाने पे फ़ोन करते हैं, थाने से बता देते हैं कि जो सही है वो करिए, आप इनके साथ अन्याय हुआ है तो इनको न्याय करिए, इनकी रिपोर्ट लिखिए, वो फिर विवेचना का विषय है कि गलत क्या है सही क्या है। तो इस तरीके से इसको जज करते हैं। और अब इतना अनुभव हो गया है कि आदमी झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, तमाम कुछ लोग आते हैं फर्जी केसेस लेकर के आ जाते हैं, और कुछ लोग आते हैं कि मन गढ़ंत। आजकल एक फैशन चल गया कि भाई भाई लड़ गए, लड़े हैं, मारपीट किए हैं, तो मालूम हुआ कि एक भाई ने अपनी बीबी को ले जाके खड़ा कर दिया कि उन्होंने छेड़छाड़ किया, अपनी लड़की को ले जाके खड़ा कर दिया छेड़छाड़ कर दिया। ये घटनाएं छेड़छाड़ की हो नहीं रही हैं, हुई नहीं है, हुई मारपीट है, लिखा दिया छेड़छाड़। तो साधारण सी बात है, किसी से मारपीट के समय कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, छेड़छाड़ दूसरा इशू है, मारपीट दूसरा इशू है। जिससे दुश्मनी होती, रंजिश भी होती है, वो भी व्यक्ति जिससे, जो दुश्मन की लड़की और लड़के या महिलाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं करता, रेप नहीं करता, उसके दिमाग में बात आ ही नहीं सकती है, वो तो उसका बुरा चाहता है। रेप की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं मनचले लोग करते हैं, जो अपने मन पे, दिल पे कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने को रोमांटिक बना करके जो रखते हैं, वो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं। और मारपीट और झगड़े में लोग छेड़छाड़ की घटनाएं नहीं करते, इसका एक फैशन बन गया इस समय मुकदमा लिखाने का। तो ये जो है तरीका गलत है, और इसका हम लोग जान जाते हैं कि ये फर्जी है, और उसमें फिर मुकदमे भी लिख जाते हैं, पुलिस से दबाव भी पड़ता है, चूँकि एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो महिला कहेगी वही माना जाएगा, तो इसका जो है दुरुपयोग भी हो रहा है। तो इसमें मैं प्रयास करता हूँ कि वो निष्पक्ष जाँच हो और निष्पक्ष विवेचना होकर के लोगों को न्याय मिले, ये प्रयास करता हूँ, इस तरह उनकी मदद भी करने का काम करता हूँ। बाकी सर, आपको सामाजिक न्याय के मुद्दों पे एक राष्ट्र व्यापी मान्यता प्राप्त है। देखिए, मैं उन इशू को लेकर के लड़ता रहा, मैं अपने को इंसान मानता था और आज भी मानता हूँ, आने वाले समय में भी जब तक जिंदा रहूँगा मैं अपने को इंसान मानूँगा। मैं अपने बच्चों से और साथियों से, अपने मित्रों से कहता हूँ कि अपने को इंसान मानना, अपने नाम के सामने जाति सूचक टाइटल मत लगाइए। जिस समय आप जाति सूचक टाइटल लगा लेंगे तो आप अपने नाम के साथ साथ अपनी जाति का परिचय देंगे, और जब जाति का परिचय देंगे तो इसका मतलब है कि आप जातिवादी हैं, कहीं ना कहीं आपके अंदर जाति भावना है। तो जिन लोगों के अंदर जाति सूचक टाइटल लगा हुआ है, उन नाम के साथ साथ अपनी जाति भी बताने का काम करते हैं। तो जब हम अपना बताएंगे कि फला और नाम बताएंगे, जाति साथ में जोड़ के, कभी कुछ कुछ लोग पूछते हैं, जैसे मैं अपना नाम बताता हूँ कौशल किशोर, तो कहते हैं आगे बताओ, मैंने कहा आगे तो मेरे कुछ है नहीं, नहीं नहीं कुछ बताओ आगे, आगे तो कुछ होगा, मैंने कहा कुछ नहीं है, क्या जानना चाहते हैं, तो मैंने कहा आगे जाति जानना चाहते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जाति मत पूछिए, मैं इंसान हूँ, इंसान की इंसानियत से तुलना करिए, आप जाति की तुलना कैसे कर रहे हैं। तो जब तक जाति सूचक टाइटल लगते रहेंगे तब तक डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन, वो जो मिशन है उसको पूरा करने में थोड़ी प्रॉब्लम जरूर आएगी। इसलिए जाति सूचक टाइटल खत्म हो, इसके लिए पार्लियामेंट में मैंने सवाल उठाया कि एक कानून बने और लोगों लोग जाति सूचक टाइटल न लगा करके अपने गांव का नाम टाइटल में लगा लें, जिले का लगा लें या और कुछ लगा लें। तो ये जब कर लेंगे तो लोगों को जातियां पता नहीं चलेंगी, और फिर वाद जातिवाद धीरे धीरे खत्म होने में तब भी एक शताब्दी लग जाएगा, इसको अगर आज कानून बना करके लागू किया जाए। तो सीधी सी बात यह है कि जातिवाद अगर लोगों के अंदर रहेगा, अगर भावनाएं रहेंगी, क्योंकि देखिए मैं जिस कम्युनिटी में पैदा हुआ, पासी कम्युनिटी में मैं पैदा हुआ, तो मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन मेरी बिरादरी जो है मुझे मानती है कि ये पासी है, तो मालूम है पूरे देश के पासी मेरे साथ जुड़ गया, इसलिए कि मैं तो सबकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। किसी के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने योजनाएं लागू की, सौभाग्य योजना,
बिजली का कनेक्शन दो तो जाति आधार पे नहीं, सबको मिल रहा है। आयुष्मान भारत योजना 50 करोड़ जनता को मिलना है मुफ्त में इलाज, तो सबको मिल रहा है जाति आधार पे नहीं। लोगों को शौचालय, किसान निधि सम्मान 6,000 रुपये, आवास प्रधानमंत्री आवास जाति आधार पे नहीं है, वो तो गरीबी के आधार पे है। तो इसमें जातिवाद कहीं पर कोई बाधा नहीं आ रही है और जाति से इससे कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। भारत के संविधान के तहत जाति के आधार पर कुछ चीज़ें मिलने वाली नहीं है। हाँ, जो अनुसूचित जातियाँ अनुसूचित जनजातियाँ हैं वो ये वो जातियाँ हैं जो दबी थी कुचली थी, जिनको सामाजिक न्याय मिलने की जरूरत थी, जिनको सत्ता में भागीदारी चाहिए थी। इसीलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने एक समय बद्ध उन्होंने आरक्षण की आरक्षण नहीं भागीदारी, उसका आरक्षण नाम गलत है, भागीदारी हिस्सेदारी कि भाई इस हिस्से को इन लोगों को भी हिस्सा मिलना चाहिए। मान लिया कि पूजा पाठ हो रहा है तो अगर भगवान की कथा सुनाई जा रही है तो कुछ लोग ही नहीं सुनेंगे, सबको सुनने का राइट होना चाहिए। तो उसी तरीके से अगर सर्विस है तो सरकारी सेवा में इतने लोगों को भी भागीदारी होनी चाहिए, ये लोग भी काम करने के राइट पाते हैं, अधिकार होना चाहिए। राजनीति में इनको भी एमपी एमएलए बनने का राइट है, ये भागीदारी है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने दी, वो भागीदारी दी हिस्सेदारी दी। वो उन्होंने आरक्षण की बात गलत है, आरक्षण शब्द जो दिया गया वो कि ये इनके लिए आरक्षित है, आरक्षित का ये का मतलब ये है कि उसका दूसरा अर्थ ये है कि इतनी लोग हिस्सेदारी इन लोगों की भी इसमें है। तो घर में अगर 4 भाई हैं तो उनकी जमीन का बंटवारा 4 में बराबर होगा, अगर 3 को दें 1 को ना दें तो उसका हिस्सा 1 मरेगा। उसी तरह ये है सरकारी सेवा में, राजनीति में, हर जगह पे। या मान लिया कि जैसे अभी जो न्यायपालिका है, विधान परिषद है, राज्यसभा है, इसमें जो है भागीदारी निश्चित नहीं है, जिसको आरक्षण कहते हैं वो निर्धारित नहीं है। उसके बाद भी क्या अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग उसमें जाते हैं, लोग चुन करके कुछ लोगों को भेजते भी हैं जो समझते हैं कि इनको भेजना चाहिए काबिलियत के आधार पर। या आईएएस वगैरह भी बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, पीपीएस बनते हैं, इनमें भी भागीदारी होनी चाहिए। डॉक्टर बनने में उसमें भी भागीदारी होनी चाहिए और काबिल लोग हैं। भारत का संविधान अगर किसी के नेतृत्व में लिखा गया तो अनुसूचित जाति समाज के थे डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज कहा गया, यानी दुनिया के सबसे बड़े ज्ञान के प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर 20वीं सदी के, वो अनुसूचित जाति समाज से हैं। तो जाति के आधार पर बुद्धि का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए जो लोग ये प्रचार करते हैं कि फला जाति के हैं, अनुसूचित जाति के हैं, बैकवर्ड हैं, तो ये बुद्धि से भी बैकवर्ड हैं, या अनुसूचित जाति के हैं तो बुद्धि से भी दलित हैं, ऐसा नहीं है। जो जो महाभारत लिखा, जो गीता लिखा व्यास जी ने, वो भी अपर कास्ट के नहीं थे, वो भी एक दबे पिछड़े कुचले समाज के थे। वाल्मीकि जी ने अनुसूचित जाति समाज से थे, जो इन्होंने असलियत में रामायण को लिखा, जिनको आज भगवान महर्षि वाल्मीकि का की संज्ञा की उपाधि दी जा रही है। मन में चंगा तो कठौती में गंगा, संत रविदास जी जिस उसमें मोची का काम करते थे और जूते टाकने का काम करते थे, जिसमें वो चमड़ा भिगोते थे, वो जब महिला रोने गई और जब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसी हाथ डाल करके और उस कठौता से अपने निकाल करके दे दिया उसको, उनका कड़ा जूता था सोने या चांदी का जो भी रहा हो। तो आप समझिए कि आदमी का जो हृदय है वो ईश्वर ने जो बनाया है वो सबको यहाँ पर जाति आधार पे नहीं बनाया है, आदमियों के द्वारा बनाया गया है। और इसलिए बुद्धि में कोई भी आगे हो सकता है। इसलिए मैं अपने आप को अनुसूचित जाति समाज का लीडर, मुझे कुछ लोग जब कह देते दलित लीडर मेरे बहुत गुस्सा आती है, भाई मैं दलित लीडर मुझे क्यों कह रहे हो, मैं किसकी बात नहीं करता, मैं किसका काम नहीं करता, मैं किसी को दलित किया और अपर कास्ट की बैकवर्ड कास्ट किया संप्रदाय के आधार पर नहीं देखता। मैं तो सबको बराबर की निगाह से देखता हूँ, पीड़ित व्यक्ति को उसकी पीड़ा के आधार पर मैं उसकी मदद करता हूँ, ना कि जाति आधार पर, ना कि धार्मिक आधार पर। मेरे यहाँ लोग दूसरे दल के आते हैं और अपनी पार्टी का
भाजपा के अलावा दूसरी पार्टी का झंडा लगा करके आते हैं। मैं मुस्कुरा के उनका काम करता हूँ, मैंने कभी किसी की जाति नहीं पूछी, कभी किसी का धर्म नहीं पूछा, काम पूछता हूँ। और इसलिए मैं अपने को आदमी समझता हूँ, और मैं मुझे इस बात पर फख्र है कि मैं अपने को इंसान समझता हूँ, इंसान समझता रहूँगा। मैं सर्व समाज का काम कर सकता हूँ, सर्व समाज के लिए मैं संघर्ष करता हूँ, सर्व समाज के लिए, सभी समाज, सभी धर्म के लिए मैं लड़ता हूँ, किसी भी तरीके को उसका हक दिलाने का काम करता हूँ। मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है, कोई संप्रदायवाद नहीं है, ना मेरे अंदर यह है, ना रहेगा। मैं ये जरूर कहता हूँ कि मैं डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को, जो जात विहीन शोषण विहीन समाज की स्थापना, जिसका उद्देश्य माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र में नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश में योगी जी, उनको जरूरत की चीज़ें, बिजली देना, आवास उपलब्ध कराना, सड़कें बनाना, शौचालय देना, उनको गैस सिलेंडर चूल्हा देना, उनको आर्थिक मदद करना, मुफ्त में राशन देना, ये जो काम है, ये डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को पूरा करने का काम है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का मिशन, अंतिम व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान, ये सारी चीज़ें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, ये अंतिम व्यक्ति के चेहरे के मुस्कान, जिसके घर पर, जिसका पास घर नहीं है, जिसके पास शौचालय नहीं, जिसके इलाज के लिए पैसा नहीं, मुफ्त में इलाज, उसके चेहरे पे अगर मुस्कान आ रही है मुफ्त में इलाज के लिए, तो लोहिया जी का मिशन समाजवादी पार्टी नहीं पूरा कर रही है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरा करने का काम कर रही है। मायावती जी ने पूरा नहीं किया डॉक्टर अम्बेडकर का मिशन, केवल मूर्तियाँ लगाई, डॉक्टर अम्बेडकर को माना, डॉक्टर अम्बेडकर की एक नहीं मानी। आज मायावती जी भी जैसी राम बोलना शुरू कर दी, तो उनकी बात समझ में आ गई कि नहीं, हमको राम राज लागू, राम राज का मतलब है जनता का राज, तो जनता के राज के लिए हमको जाति आधारित बात नहीं करनी चाहिए, सबके हित की बात करनी चाहिए, और सबके हित की बात हमारी सरकार कर रही है, ना संप्रदाय देखा, ना जाति देखी, सबको हक देने का काम जो सरकार कर रही है। निश्चित तरीके से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का मिशन अंत्योदय, उसको भी, और जो हमारे देश के राष्ट्रपिता रहे हैं महात्मा गांधी जी, उनके भी मिशन को पूरा करने का काम हमारी सरकार कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में योगी जी लागू करने का काम कर रहे हैं। मैं तो उनका अनुयायी हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि वो उन मनीषियों की इच्छा को पूरी करने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने अपनी आखिरी सांस तक लोगों को हक और अधिकार दिलाने की लड़ाई लड़ी जी। बाकी सर, आप एक पारक महासंघ के अध्यक्ष भी हैं, पारक महासंघ क्या है और किस तरीके से काम करता है? पारक महासंघ कबीर साहब का शब्द है, उनका मिशन था, पारक में पहचानो जानो, सब पे लागू होता है, व्यक्ति को पहचानो, राजनीति को पहचानो, ईमानदार को पहचानो, बेईमान को पहचानो, धोखेबाज को पहचानो, गलत काम करने वाले लोगों को पहचानो, सोशल वर्क करने वाले लोगों को पहचानो, और जो बैड एलिमेंट हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनको भी पहचानो, और परखो उनको, और परख करके, पारक का पर्यायवाची विवेक भी होता है, फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करो, जो आपका मन करता है कि ये गलत है कि सही है, फिर सही का साथ दो और सही काम करो। वो पारक महासंघ हमने बनाया, उसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और उससे तमाम लोगों को जोड़ने का काम कर रहा हूँ। कबीर मिशन के लोग भी जुड़े हैं, और इससे पूरे देश में एक मुहिम हमने चला रखी है कि लोगों को पहचानो, बढ़िया, मतलब लोकतांत्रिक तरीके से अच्छी राजनीति होनी चाहिए, अच्छा समाज होना चाहिए, जातियाँ गलत हैं। कबीर साहब का था कि कोई भी पोंगापंथी, कोई भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। कबीर साहब ने उस बात को कहा, आपने देखा, बोला, वो काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिए बनाए, तापर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, यानी अगर ईश्वर कड़कड़ में व्याप्त है तो हम उनको आवाज़ क्यों दे रहे हैं? तो उन्होंने सही बात कही, या उन्होंने कहा कि पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, घर की चकिया कोई ना पीसे जिसका पीसा खाए, तो सबके ऊपर उन्होंने सीधी सी बात कही है। तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को मानिए, दिल से मानिए, केवल मात्र जो है दिखावा करने का काम ना करिए। और ये उन्होंने जो कबीर साहब ने कहा, एक बड़ी बात की, और उस समय जब तमाम कट्टरपंथी लोग थे, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा महामानव हमारे बीच में जन्म लिया,
जो अब तक के पृथ्वी पे कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा पैदा नहीं हुआ जिसको दो संप्रदाय के लोग, हिंदू भी कहें नहीं कबीर साहब हमारे और मुसलमान भी कहें कबीर साहब हमारे, जिनकी लाश पे लड़ाई हुई हो ऐसा कोई महामानव आज तक नहीं हुआ कबीर साहब जैसा। और अंत में उनका जो लड़ते रहे और बाद में उनकी बाड़ी के नीचे जो फूल मिले, जिनका बंटवारा हुआ और दोनों लोगों ने, संप्रदाय के लोगों ने अलग अलग तरीके से अंतिम संस्कार किया, वो जो फूल मिले वो भी घटना गलत है वो, क्योंकि जो आदमी जीवन भर लड़ता रहा वो बाड़ी के नीचे फूल नहीं मिल सकते, उनकी बाड़ी कहीं गायब की गई होगी और फूल रख दिए गए होंगे। तो दोनों लोगों ने बांटा और उसको किया, ऐसा इंसान जिनको दो संप्रदाय के लोग अपना अपना मानते हों ऐसा नहीं हुआ, और भविष्य में होगा कि नहीं होगा मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए वो कबीर मिशन के लोग सब लोग हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनके साथ जुड़े हैं, और इस मिशन को हम लोग, इस शांति का मिशन है कबीर साहब का, इसको लागू करना चाहिए। कबीर साहब ने बोला भी है कि पोथी पढ़े पढ़े जगमुआ पंडित भया न कोए, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित मतलब ब्राह्मण नहीं, पंडित का मतलब ज्ञाना, ज्ञाता, ज्ञान। तो अगर हम व्यक्ति से उसको जाति आधार पर देखेंगे तो हम पंडित नहीं हैं, अगर हम उसको आर्थिक रूप से कमजोर देखेंगे, नौकर की भावना से देखेंगे तो हम पंडित नहीं हैं, ना हमारे अंदर प्रेम की भावना है। अगर हम उसको ये देखेंगे कि ये बहुत कमजोर तबके का आदमी है, ये दिव्यांग है, इसका एक हाथ नहीं है, इसका एक पैर नहीं है, इसकी एक आंख नहीं है, और हम पूरी तरीके से ठीक हैं इस भावना से देखेंगे तो फिर हम पंडित नहीं हैं, हम ज्ञाता नहीं हैं। हमारे अंदर ईश्वर वास करता है लेकिन हम ईश्वर को पहचान नहीं पा रहे। तो वो जो उस प्रेम को पहचानना है, उस प्रेम को अगर हम पहचान लें, लोगों से प्यार से बात करें, मधुर बाड़ी से बातें लोगों से बोलें, तो निश्चित तरीके से प्रेम से अगर हम जानवर पर भी, बैल पर हाथ फेर देते हैं तो भी अपनी पूँछ हिलाने लगता है, सर हिलाने लगता है। कुत्ते के ऊपर अगर प्रेम से हाथ फेर लेते हैं वो भी अपनी पूँछ हिलाने लगता है, ऐसे ऐसे करने लगता है, प्रेम की भाषा वो भी समझता है। लेकिन अगर किसी से हम दुत्कार की बात करेंगे या अबे तबे गाली तेज बात करेंगे तो फिर वो आपके पास क्यों आएगा, क्यों जुड़ेगा। यही एक जुड़ने का भाव है, इसलिए मैं कबीर साहब से बहुत प्रभावित हूँ और उनके मिशन को पूरा करने के लिए पारख महासंघ का गठन किया है, और अब मैंने पारख महासंघ ट्रस्ट बनाया है, बहुत लोग उससे जुड़े हुए, सभी जाति सभी धर्म के लोग उस संगठन से जुड़ रहे हैं। 2002 से 3 के बीच में ही आप मुलायम सिंह की सरकार में आप राज्य मंत्री बने थे, क्या तभी आपने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की थी या उससे पहले भी आप कुछ? राजनीतिक करियर तो मैंने 1984 से शुरू किया, 1984 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, फिर 1985 में लड़ा, 1989 में तीसरे नंबर पे, 1993 में मैं दूसरे नंबर पे, 1996 में दूसरे नंबर पे, 1998 में पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा, सब हारता गया मैं। 2002 में मैं CPI में था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में, मेरा विवाद हुआ, फिर मैंने अलग पार्टी बनाई राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी, और फिर मैं उससे चुनाव लड़ा निर्दलीय मलिहाबाद से, तो फिर जनता ने मुझे चुनाव जिताया, 25,000 वोट से चुनाव जिताया। 2002 में मैं चुनाव जीता, 2003 से 2004 तक मैं 8 महीने मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में मैं श्रम राज्य मंत्री रहा। उसमें कई इशू में थे कि श्रमिक थाने खोले जाए मजदूरों के लिए, जो मजदूरों का शोषण होता है, उनका पैसा लोग नहीं देते, काम कराते पैसा नहीं देते, उनकी FIR दर्ज हो थाने में तो उनको न्याय मिले, उनका हक मिले, इस पर वो तैयार नहीं हुए। SC ST की ज़मीन को लेकर के विवाद छिड़ा था कि वो बगैर परमिशन के ज़मीन उनको बेचने का राइट हो जाए, मैं इसके विरोध में था, क्योंकि SC ST समाज के ही लोग ज़्यादातर नौकरी का वो नौकर होते हैं, बड़े लोगों के यहाँ, ज़मींदारों के यहाँ, उनकी ज़मीनें वो लिखवा लेंगे घर पर रजिस्ट्रार बुलाकर, तो उनकी ज़मीनें बचेंगी नहीं, तो इसका भी विरोध करता था। इसी में मेरा विवाद हुआ तो फिर मैंने इस्तीफा दे दिया और मैं 8 ही महीने मंत्री उसमें रहा, मगर राजनीति की शुरुआत मेरी 1984 से। इसी विवाद के चलते आपने BJP की तरफ रुख किया? नहीं नहीं, मैंने अपनी पार्टी राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी बना ली थी, उसके बाद 2007 में मैं राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी से लड़ा, अपनी पार्टी से मैं चुनाव हार गया सेकंड पे रह करके। 2009 में मैं 2 चुनाव लड़ा मलिहाबाद में, फिर उपचुनाव वो भी हारा,
एक लखीमपुर में 2011 में उपचुनाव लड़ा, वहाँ मैं हारा एमएलए का। 2012 में भी मैं एमएलए का चुनाव फिर 1403 वोट से हार गया। तब तक मैं राष्ट्रवादी कम्युनिस्ट पार्टी और पारक महासंघ को लेकर के काम करता रहा। अब जो है फिर 2014 में 27 जनवरी 2014 को उस समय के तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज के रक्षा मंत्री आदरणीय माननीय राजनाथ सिंह जी से वार्ता हुई मेरी। उन्होंने मुझे पार्टी ज्वाइन कराई और सब लोगों को, जब पार्टी ज्वाइन करने के पहले अपने सभी साथियों से मैंने कई राउंड वार्ता की, और जब वो सब मेरे जो साथी थे उन सब लोगों ने जब अनुमति दी, जिसमें 70 लोग करीब मुस्लिम समाज के लोग भी थे, उनकी सहमति से ही मैं जा कर के पार्टी में शामिल हुआ। फिर उसके बाद मैं सांसद बना। 2017 में मेरी पत्नी मलियाबाद से विधायक बीजेपी से बनी और 2019 में पुनः मैं चुनाव जीता, पार्टी ने टिकट दिया। और अब अभी 7 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय नड्डा जी और माननीय हमारे जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं बीएल संतोष जी, माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ जी, सब लोगों ने मिल करके हमें और प्रदेश की टीम ने पार्टी की मिलकर भारतीय जनता पार्टी की माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रदेश की पार्टी संगठन की टीम ने मिलकर मुझे जो है राज्य मंत्री का दर्जा, राज्य मंत्री मुझे केंद्र सरकार में बनाने का काम किया और मुझे हाउसिंग यानी आवासन एवं शहरी विकास कार्य मंत्री का डिपार्टमेंट दे करके एक विश्वास मेरे ऊपर कायम किया, तो मैं उनका सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। तो सर, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि इस तरीके से आपको मोदी जी के कैबिनेट में आपको जगह दी जाएगी, क्योंकि कई बड़े बड़े नेता इसमें कयास लगाए हुए थे, कब से लगे हुए थे कि उसमें केंद्र में उनको जगह मिले, लेकिन उनको जगह नहीं मिल पाई और आपको मिला, तो इस पर आप क्या कहेंगे? आपने कभी सोचा था कि ऐसा हो, मतलब आपके लिए होगा? नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई इस तरह का ना वो था, ना मैंने कहा और इस संबंध में ना मैंने कभी किसी से अपनी कोई डिमांड कभी मैंने नहीं रखी। मैं तो प्रदेश सरकार में मंत्री के पद से इस्तीफा दे करके आया था, इसलिए मुझे कोई लालच और मेरी कोई भावनाएं कोई ग्लैमर का है ही नहीं। मैं सांसद जीत जाता हूं तो मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई परिवर्तन आया। मंत्री बन गया तब भी मुझे परिवर्तन कोई नहीं आया, लेकिन जिस दिन मैंने शपथ लेना था किसी को मालूम नहीं था, मुझे भी नहीं मालूम था। जब मैं गया वहाँ तब पता चला, निर्देश थे कि पत्नी को भी नहीं बताना है, तो मैं वहाँ से निकला तब मैंने बताया कि 6 बजे शपथ लेनी है, तो पत्नी गई यहाँ से और तब यहाँ लोगों को मालूम हुआ और मालूम हुआ कि उस दिन पूरी रात लोग चलते रहे और करीब 700-800 हज़ार लोग हमारे क्षेत्र से दिल्ली पहुंच गए, सब कोई गाड़ी से, कोई फ्लाइट से, कोई ट्रेन से, मतलब जैसे पाए लोग, ज़्यादातर लोग गाड़ियों से पहुंच गए। और 15 अगस्त तक नहीं आना था, तब तक 300-400-500 रोज डेली आदमी हमारे दिल्ली जाते रहे, सिर्फ और कुछ नहीं, मिलने, बधाई देने, सब इतने खुश थे सब वो, और कहीं मिठाई बांटना, कहीं कुछ करना, वो ऐसा लग रहा था कि वही सब मंत्री और सच में वही मंत्री बन गए। क्योंकि मेरा था कि मेरा नंबर जिसकी जेब में, कौशल उसकी जेब में, तो वो अपने आप को सब मंत्री समझते भी हैं और उनका काम भी करते, कोई मेरे उनके बीच में डिफरेंस नहीं है, सब अपने आप। मैं देखता कि मैं उनको समझ में आया कि देखे कि इतने लोग जा रहे हैं, वहाँ खाने पीने की परेशानी होगी, तो कोई आदमी आटा लादे लिए जा रहा, कोई चावल अपनी गाड़ी में रखे, कोई दाल रखे, सब्जी तक लाद लाद के लोग यहाँ से ले जाते थे वहाँ, और सब लोग बनाते खाते, सब कोई चद्दर बिछा के लेटा तो कोई ज़मीन में अखबार बिछा के लेटा, सब एक तरीके से, ये नहीं कि ये मंत्री का घर है या सांसद का घर, वो अपना समझते हैं, अपने तरीके से सब रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है उन सब लोगों के बीच में। और मैंने कभी आशा का मतलब ये ही नहीं था, क्योंकि मैंने अपेक्षा ही नहीं की थी। मैंने सोचा पार्टी जिस तरीके से समझेगी, जहाँ यूज करने का काम है करेगी, एक पद मेरे पास है वही बहुत है। मेरी वाइफ जो है एमएलए बनी, तो वो भी इस तरह का नहीं, एक दिन झाड़ू लगा रही थी यहाँ सुबह सुबह, वो रोज़ सुबह झाड़ू लगाती है, घर वही साफ करती है अपना, बाहर झाड़ू लगा रही थी तो एक आदमी आया,
तो उनसे इन्होंने पूछ लिया होगा क्या काम है, तो उसने कहा कि क्यों बताया तुमको, उसने सोचा है नौकरा नहीं है, कहा क्यों बताया तुमको, तो उन्होंने नहीं बताया, तो कहा चाहे हम उनसे बताएंगे, नाम लिया कौशल भैया से। तो वो फिर जब मैं निकला नहा धो के बैठा, तो हमसे कहा कि वो जो औरत है ये कौन है, हम कहा क्या हो गया, तो कहने लगे मुझसे कह रहे थे काम बताओ, अब हम नौकरानी को काम बताएं, मतलब वो अधिकार स्वरूप मुझसे कह रहा था। तो मैं हंसने लगा, मैंने कहा कि तो बता देते, कहने कैसे बता दे कौन है ये, अरे मैंने कहा वो बीबी है मेरी। तब वो भाग के गए, उनके पैर पकड़ने लगे कि हम पहचान नहीं पाए। तो ये यहाँ इस तरह का नहीं कि दिखावा है कि एक एटीट्यूड हो, जो लोग अपना कुछ लोग दिखाते हैं कि मैं सांसद हूँ, मैं विधायक हूँ, मैं नेता हूँ, मैं फलापद पे हूँ, ये एटीट्यूड ख़त्म होना चाहिए। और इस एटीट्यूड को ख़त्म करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट के अंदर एक बिल ला करके मंत्रियों की गाड़ी से लाल बत्ती उतरवा देने का काम किया। पुलिस की गाड़ी पर लाल बत्ती नीली बत्ती रहेगी, लेकिन मंत्री के पद पर लाल बत्ती की गाड़ी नहीं रहेगी, कि ताकि एक एटीट्यूड जो होता है अंदर बेवजह का एक घमंड जो पैदा होता है वो ख़त्म हो जाए। और एक बड़ा काम प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, मैं उनका स्वागत करता हूँ उसके लिए। और नेता का मतलब है, नेता का मतलब वो जिसके लिए जनता लीडर हो, जो नेतृत्व करता है हर गलत चीज़ों को हल करने का, अच्छी चीज़ें दिलाने के लिए, जिसके लिए जनता अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, उस तरह का नेता बनाना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी सभी लोगों को। और उनकी इस भावना का, उनके इस लक्ष्य का वो जरूर पूरा होगा, मैं उनका स्वागत करता हूँ। कोई एटीट्यूड प्रधानमंत्री जी के अंदर नहीं दिखता कभी भी, जनसाधारण से वो कहते हैं बात करो, और जनसाधारण से वो बात भी करते हैं, सबसे बात भी करते हैं, किसी का मिलना होगा मिलेंगे, कभी जब कार्यक्रम करते हैं तो किसी से भी बात कर लेते हैं। तो ये जो उनके अंदर भावना है वो, इसीलिए उन्होंने अपने को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक कहा। चौकीदार चोर का नारा राहुल जी ने लगाया तो जनता ने शुरू कर दिया, हम भी चौकीदार तुम भी चौकीदार सब हैं चौकीदार, सबने अपने को चौकीदार कहना शुरू किया। अब राहुल जी कहो सबको चोर, जुबान बंद कर दी राहुल जी की जनता ने। तो प्रधानमंत्री जी वास्तव में एक इस देश के महान नायक हैं, और जो कुछ वो कर रहे हैं इस हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए, मेक इन इंडिया भारत को पूरी दुनिया में फिर से विश्वगुरु बनाने के लिए, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, और हर क्षेत्र में हर तरीके से मजबूत आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। और ये जो उनका लक्ष्य है, इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को उनके साथ खड़ा होना चाहिए, जिसको इस देश से प्यार है, अपने हिंदुस्तान से प्यार है, सबको उनके साथ खड़े होना चाहिए, दलगत राजनीति से अलग हट करके। अभी कोरोना का पीरियड आया, प्रधानमंत्री जी ने देश को पूरी तरीके से लॉकडाउन किया, लोगों को जान बचाने के लिए हवाई जहाज नहीं उड़े, ट्रेनें नहीं चली, बसें नहीं चली, फैक्ट्रियां बंद हुई, दुकानें बंद हुई, कहीं से भी एक पैसा नहीं आया। उसके बाद 8 करोड़ मजदूरों को घरों तक पहुँचाना, उनके खाते में 1-1 हज़ार रुपये देना, 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन देना, सभी अधिकारियों कर्मचारियों को सरकारी वेतन भी पहुंचाते रहना, कोरोना पॉजिटिव लोगों का मुफ्त इलाज कराना, 50 करोड़ जनता का मुफ्त इलाज करना, उसके बाद भी देश को पूरी तरीके से मुस्तैदी से खड़े रहना, जो इसमें काम करे वो चाहे करने वाले लोग, चाहे बिजली कर्मी हों, सफाई कर्मी हों, मेडिकल स्टाफ के लोग, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सेना के लोग, सबको कोरोना योद्धा घोषित करके सबको सम्मानित करना। और आज भी दूसरी लहर के बाद भी अभी मार्च 2022 तक सबको मुफ्त राशन 80 करोड़ जनता को देना, ये जो काम है ये भारत को बनाना। और उसके बाद डॉक्टरों से, वैज्ञानिकों से कहना कि वैक्सीन बनाओ, 2-2 वैक्सीन बनवाना, 100 करोड़ से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग गई, दूसरे देशों में भी वैक्सीन सप्लाई किया, अमेरिका जैसे शहरों में, देश में क्लोरोक्विन की टेबलेट वहाँ पहुँचाना, वहाँ के लोगों को देना, पीपी किट नहीं बनती थी इतनी पीपी किट बनवाई कि दूसरे देशों को सप्लाई करना, देश को खड़ा करने का काम इस संकट के दौर में किया।
और जो अखिलेश यादव जी कभी कहते थे कि ये जो वैक्सीन है ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये बीजेपी की वैक्सीन नहीं, लोगों की जान बचाने की वैक्सीन है, और अब उनकी देर समझ में आया कि नहीं ये जान बचाने की वैक्सीन है, तो खुद भी लगाई और मुलायम सिंह जी को भी, अपने पिताजी को भी लगवाई। तो अब उनके अंदर जो ये वैक्सीन, जिनको कभी बीजेपी का वैक्सीन कहते थे, उनका जो बूंद बूंद उनके अंदर प्रवाह हो रहा होगा, आने वाले समय में बीजेपी में हो सकते हैं वो। जी अच्छा, जैसे आपने अभी बात की, जैसे मोदी जी की भी आप बात कर रहे थे, तो मोदी जी के एक प्रभावी लीडर की बात कर रहे थे, तो आपको चुनने का कारण एक वही कारण है कि एक आप एक प्रभावी लीडर हैं और सामाजिक न्याय के मुद्दों पे हमेशा चर्चा में रहते हैं और हमेशा इसमें बने रहते हैं आप, इस वजह से क्योंकि आप में एक प्रभावी लीडर का एक शख्स मौजूद है जो हमेशा से शुरू से ही निजी तौर पर आप उनके साथ लगे रहते हैं। अब ये तो मैं नहीं जानता कि किस बेस को लेकर के, क्या आधार बना करके उन्होंने मुझे अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और पार्टी ने क्या आधार लिया। फिलहाल मैं तो दिल की गहराइयों से एक नई जिम्मेदारी के लिए स्वागत करता हूँ, उस जिम्मेदारी को निभाने का काम करूँगा। उनका लक्ष्य है 2022 तक सभी लोगों को आवास मिल जाए, तो 1,13,00,000 से ज़्यादा आवास की डिमांड आई है पूरी शहरी क्षेत्रों में, और वो सब कंप्लीट होकर के मिलेंगे। हमारे उत्तर प्रदेश में भी सबको पूरे हो रहे, अमृत योजना 2 और स्वच्छता मिशन, स्वच्छ मिशन भारत जो लागू किया, उसके लिए पूरी तरीके से जो शहरी क्षेत्र टाउन एरियाज जो अमृत योजना में नहीं चुने गए थे, उनको सबको स्वच्छ भारत मिशन में चुना जा रहा है, उनमें सब काम होगा, सबको आवास मिलेंगे, शौचालय मिलेंगे, सीवर लाइन पड़ेगी, और जो अमृत योजना में आएंगे उनको पूरी तरीके से 100 स्मार्ट सिटी बनाने का, उस पर हम लोग पूरी तरह काम कर रहे हैं। पूरे देश में जो मेट्रो सिटी हैं, जो नगर निगम हैं, उनमें जो है मेट्रो ट्रेन चलाने का, वो भी हमारे डिपार्टमेंट में है। CPWD द्वारा जो काम है वो करने का, ये सारी चीज़ों करने का काम जो है हम अपने डिपार्टमेंट के जरिए उसको पूरा कराने का काम, जो जिम्मेदारी है वो कर रहे हैं कि समयबद्ध तरीके से वो चीज़ें पूरी हों जो प्रधानमंत्री जी का है। हमारे यहाँ करीब बहुत ज़्यादा 17 गवर्नमेंट प्रेस थी, उसमें बाकी गवर्नमेंट प्रेसों को धीरे धीरे करके एक जगह ला के उनके कर्मचारियों को एडजस्ट करना और एक मॉड्यूलर नई टेक्निकी गवर्नमेंट प्रेस बनाना, जिसपे एक मिंटो रेड प्रेस जल्दी तैयार होगी, शुरू होने जा रही। तो ये सब सारे काम हम लोग जो कर रहे हैं वो करने का काम कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, वो विजन जो है इस देश को पूरी दुनिया में आत्मनिर्भर भारत बनाना है, और इतना सामान बनाया जाए कि दूसरे देशों में भी हम इसको पूरी तरीके से सप्लाई करें और एक्सपोर्ट करें सामान को, इस तरीके का जो उन्होंने जिम्मेदारी दी है उस पर हम लोग जितना काम कर सकते हैं उससे बढ़ चढ़ करके करने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री जी अपने लोगों का इतना ध्यान रखते हैं, सबको, जनता का ध्यान रखते हैं कि किसी की ज़मीन गिरवी ना हो, किसी का घर गिरवी ना हो, किसी की जेवर ना बिके, इसलिए 5,00,000 रुपये तक 50 करोड़ जनता को मुफ्त में इलाज देने का काम स्वच्छ भारत मिशन के तहत, आयुष्मान भारत योजना के तहत कर रहे हैं। अभी जिनके लोग रह गए हैं उनको और गोल्डन कार्ड जारी करेंगे। अभी 1 करोड़ जनता को, महिलाओं को अलग से फिर से गैस सिलेंडर चूल्हा देने जा रहे हैं। मैं तो अपने ऊपर कह रहा हूं कि उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे पकड़ के ले गए कोने में और कहा कि अपना वेट 15 किलो कम करिए। मैंने कहा ठीक है, कार्ड डांटेंगे तुमको, डांटा नहीं, खाली कहा डांटेंगे। और उन्होंने जो है मुझसे ये कहा, मैंने कहा सर करेंगे, फिर कहा कि नहीं आप जाओ एडमिट हो, और तत्काल फिर जो है मुझे फ़ोन करके एडमिट कराया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद में। मैं वहाँ गया, बहुत अच्छी सुविधाएं हैं वहाँ, आयुर्वेद का वो एम्स है, और सारी चीज़ें मैं वहाँ 3 दिन पहले रहा, 10 दिन बाद में रहा, खुद प्रधानमंत्री जी उसकी रिपोर्ट डे टू डे लेते रहे। और जब मैं अभी निकल के गया और मिला उनसे कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी से, तो मैंने कहा बता दूं कि मैं, मेरा 8 किलो वेट कम हुआ, और कहा ये ना बताओ,
मुझे पता है तुम्हारा 8 किलो वेट कम हुआ, 14 सेंटीमीटर पेट कम हुआ, और अच्छा कैसा लगा ये बताओ मुझे। मैंने कहा बहुत अच्छा लगा, ठीक है। उन्होंने कहा मैं 90% आयुर्वेद पर ही भरोसा करता हूँ, एक बड़ी बात है ये प्रधानमंत्री जी की, और मैं फिर दोबारा एडमिट होऊंगा। और प्रधानमंत्री जी का ये है कि हमारा केवल मंत्रिमंडल का ही सदस्य नहीं, देश का प्रत्येक आदमी, प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक महिला, वो पूरी तरीके से स्वच्छ रहे, स्वस्थ रहे, इसके लिए उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन, दिमाग की टेंशन ना हो इसलिए उनके लिए आवास, या आवास भी रहे, शौचालय भी रहे, पीने का पानी भी रहे, चूल्हा भी रहे जो जलता हो, गैस सिलेंडर चूल्हा भी अलग से भी, रोजगार के संसाधन, और इलाज के लिए उसे कुछ अपना बेचना ना पड़े इसलिए मुफ्त में इलाज, वो सारी सुविधाएं देने का काम प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं निश्चित तरीके से एक बड़ा काम है। और मैं कह रहा हूं कि वो हिंदुस्तान के नहीं, दुनिया के नायक हैं, वो दुनिया के हीरो हैं, पूरी दुनिया में मोदी जैसा हीरो कोई नहीं है। लोग भले अपने पैसे के बल पर कहीं कोई पॉपुलरिटी कर रहे हों दूसरे देश के लोग अपने को, लेकिन नरेंद्र मोदी जी माननीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से देश को स्टेप टू स्टेप बढ़ाने का काम कर रहे हैं, ऐसा लीडर कोई दुनिया में नहीं है जी। लेकिन आपको केंद्र में जगह देने के मामले में ये भी कहा जाता है कि एक गैर दलित, जो गैर जाटव दलित वर्ग का जो फॉर्मूला है वो मतलब उसमें आप फिट बैठते हैं, और इसकी वजह से ये है कि एक बड़ा वोट बैंक उनके पास आ जाता है, जिसकी वजह से वो एक 2000 आने वाले 2022 के चुनाव को जीत सकते हैं। और हमेशा से, क्योंकि बीजेपी की और बीएसपी की ये इस फॉर्मूले पे हमेशा से लड़ाई रही है, उस लड़ाई का साधने के लिए आपको ये दिया गया। देखिए बहन मायावती जी ने जिस फार्मूले को लेकर के काशीराम चले थे, काशीराम जी उसमें जाके नहीं चले, ना डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को माना, उन्होंने दलितवाद भी नहीं किया, उन्होंने शुद्ध जातिवाद किया। और देखे होंगे कि अपने भाषण में वो बोलती क्या थी कि मैं चमारीन की कोख से पैदा हुई हूँ, ये भाषण में क्यों दे बोलती थी, अपनी जाति के लोगों को इकट्ठा करने के लिए। उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैं दलित जाति की महिला की कोख से पैदा हुई हूँ, अगर ये बोलती तो लगता कि इनके अंदर दलितवाद है, तो दलितवाद भी नहीं था, किसी और को दलित दूसरी जातियों को नहीं मानती, दलित जातियों को वो केवल अपनी बिरादरी को ही उन्होंने दलित समझा, अनुसूचित जाति, और इसलिए कहा मैं चमारीन की कोख से पैदा हुई। आप तमाम बार भाषण सुने होंगे, 9 अगस्त 2008 को लखनऊ के रमाबाई अम्बेडकर मैदान में, जब वो जो इस समय काशीराम स्मृति उपवन क्या उन्होंने बना रखा है, उसमें उन्होंने, उस समय मुख्यमंत्री थी, एक बड़ी रैली किया, और उस रैली में उन्होंने घोषणा किया कि मैं जब तक जिंदा हूँ बीएसपी पार्टी की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, मैं जब जिंदा नहीं रहूँगी तो उसके लिए मैं अपनी उम्र से, अपने से 18 साल कम उम्र के एक लड़के के नाम मैं पार्टी की वसीयत कर रही हूँ, उसकी चिट्ठी दो लोगों को दे रही हूँ, मेरे न रहने पर वही आदमी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, दूसरा और वो मेरी जाति का है, स्वजाति है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि इसका मतलब उनकी जाति का दूसरा आदमी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्टी में नहीं बन सकता, जिसको उन्होंने वसीयत किया वही बनेगा। यानी जो कहती कि मैं चमारीन की कोख से पैदा हुई हूँ, तो उनकी समाज के लोग जो हैं वो भी कोई दूसरे लोग उस बीएसपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते। तो जो पढ़ा लिखा तबका है, जो वास्तव में अम्बेडकरवादी है, उसने मायावती जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। बाम साहब के लोग जो वास्तव में अम्बेडकरवादी हैं, वो भी मायावती जी का साथ छोड़ना शुरू कर दिया। और इसीलिए मायावती जी के पास आज दूसरे समाज के लोग नहीं है, टिकट लेने के लिए भले जाते हों लेकिन ऐसे लोग नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो ये वर्डिंग बोली वो डॉक्टर अम्बेडकर के जातिहीन शोषणहीन समाज की स्थापना का जो उनका मिशन था उसके जस्ट अपोजिट था, खिलाफ था, उसका विरोध किया उन्होंने। अगर हम शुद्ध शब्दों में कहें तो मायावती जी ने डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को अपने चुनाव चिन्ह, हाथी के निशान
जो है उनका निशान हाथी, उसके पैरों के तले डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को कुचल देने का काम किया। इसलिए उनके साथ जो है आज अनुसूचित जाति के लोग नहीं हैं। अनुसूचित जाति के लोग भी जो है उस लीडर को ढूंढना चाहते हैं जो उनके हक की बात करे, और हक की उनकी नहीं, सभी के हक की बात करे। अनुसूचित जाति के लोग इसलिए कहते हैं, इसलिए अनुसूचित जाति समाज के लोग कबीर साहब को क्यों माने सबसे ज्यादा, क्योंकि उन्होंने मानववाद की बात की। इसलिए सबसे ज्यादा कबीरपंथी आपको अनुसूचित जाति समाज के लोग मिलेंगे। नंबर एक, महात्मा बुद्ध को सबसे ज्यादा मानने वाले लोग अनुसूचित जाति समाज के लोग मिलेंगे नंबर एक पे। अनुसूचित महात्मा बुद्ध जो है वो तो अनुसूचित जाति के नहीं थे, फिर भी अनुसूचित जाति के लोगों ने महात्मा बुद्ध को भगवान बुद्ध क्यों कहा, इसलिए उनकी उन्होंने मानवता की बात की, मानवतावादी बात की, और मानव के लिए हक देने की बात की, मानव के हक अधिकार कैसे होने चाहिए, बराबरी का दर्जा देने की बात की। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जी भी उन्होंने उसको ग्रहण किया और दलितों ने उनको भगवान बुद्ध कहा। इसलिए दलित समाज के लोग ये नहीं चाहते हैं कि केवल जो है दलित समाज की बात करने वाला व्यक्ति हो, सारे समाज की बात करने वाला आदमी हो, और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने अपना क्यों माना, इसलिए कि डॉक्टर अम्बेडकर ने वोट में राइट का जो दिया, वोट डालने का अधिकार, वो केवल दलित समाज के ही लोगों को नहीं दिया। पहले तो वो लोग वोट डाल सकते थे जो 100 रुपये की लगान जमा कर सकते थे, और जो नहीं जमा कर सकते नहीं डाल सकते थे। उन्होंने सबको दिया, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे बैकवर्ड हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, और चाहे आपके मुस्लिम हो, चाहे अन्य समाज के लोग हों, सबको वोट डालने का अधिकार दिया। तो सर्व समाज के लिए काम किया, इसलिए अनुसूचित जाति के लोगों ने माना कि नहीं, ये हमारे भी हैं, हमारे हैं। तो डॉक्टर अम्बेडकर को वो सबको उन्होंने राइट दिया, कुछ लोग उनको मानते हैं, और जो लोग जातिवादी हैं वो लोग डॉक्टर अम्बेडकर को दलित मानते हैं, और जो इंसान हैं वो उनको महामानव मानते हैं, लेकिन अमेरिका ने उनको इंसान माना, और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर को 20वीं सदी का सिंबल ऑफ नॉलेज घोषित किया, ज्ञान का प्रतीक डॉक्टर अम्बेडकर को घोषित किया, कि उनसे बड़ा कोई ज्ञानवर्धक व्यक्ति नहीं था 20वीं सदी में। तो मायावती जी ने अपने मिशन को खुद फेल किया, डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को फेल किया, इसलिए 60% से ज़्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी को अनुसूचित जाति समाज के और जनजाति समाज के लोगों का मिलेगा, और बाकी समाज में जो बैकवर्ड समाज हैं 90 से 95% लोग वोट बीजेपी समाज को मिलेगा, क्योंकि काम के जिसके घर में चूल्हा नहीं था चूल्हा जल रहा, जिनके होली का 2019 में होली का त्यौहार था और एक आदमी आया पान वान खाए हुए मुस्कराता हुआ, कौशल भैया जयराम का, जयराम का बात बड़े खुश लग रहे हो, होली बढ़िया मनी, अरे काला भैया जो है सांसद जी मोदी जी ना होती तो आपकी गुझे ना बनती। हमने कहा क्या हो गया, मोदी जी ने क्या कर दिया, कहला 2000 रुपया खाते में जो डाल दिया हमारे, उसे भैया निकाल के सब कपड़ा खरीदा और घर में गुजिया बनी। आप समझिए कि होली के त्यौहार में जिसके घर में गुजिया बनाने का पैसा नहीं था उसके खाते में 2000 रुपया जा रहा है साल में 3 बार, वो किसी भी जात बिरादरी का हो, उसका निशान, उसकी जो बटन है वो कमल पर ही दबेगी, कहीं दबने वाली नहीं है, न जातिवाद न संप्रदायवाद। तो आने वाला 2022 बीजेपी का, आने वाला 2022 फिर से यूपी में योगी जी की सरकार बनेगी, बीजेपी की सरकार बनेगी, फिर से माननीय मुख्यमंत्री योगी जी बनेंगे। आखिर में चाहेंगे सर हम कि हमारे प्राइम टीवी के व्यूअर्स को आप एक मैसेज दें। हम प्राइम टीवी के माध्यम से जितने भी व्यूअर्स हैं, देखने वाले हैं, हम अपनी तरफ से, अपने मंत्रालय की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। ये पूरा हमें विश्वास है कि आप जनता की आवाज़ को, जनता की पीड़ा को हम लोगों तक अपने चैनल के माध्यम से पहुंचाएंगे और हम लोग उनकी पीड़ा को हल करने का काम करेंगे। हमारी सरकार का भी यही मिशन है,
हमारी पार्टी बीजेपी का भी यही मिशन है, हमारा भी यही मिशन है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको टाइम देने के लिए। आज के प्राइम टीवी के शो शख्सियत में आज हमारे साथ थे केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, जिनसे हमने उनकी आज तक की जर्नी पर बात की और उन्होंने बखूबी हमें अपनी जर्नी के बारे में बताया है। उम्मीद है आपको इनकी जर्नी के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी और आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। अगली बार शख्सियत पर हम फिर हाजिर होंगे एक नई शख्सियत के साथ में, तब तक आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।